बेशक। और वो जहाँ सादिक है वहीं अमीन भी है, सुभान अल्लाह। तो उनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती है, इसलिए डर से भागे तो थे कि मैं अब किसी को कत्ल नहीं कराऊंगा, किसी को सजा नहीं दी जाएगी, किसी को तकलीफ नहीं दिया जाएगा, वो कलमा पढ़ ले। तो चलो मरवान भी आ गए कलमा पढ़े। कलमा पढ़ने के बाद ये भी इस्लाम में दाखिल हुए, तो ये बड़े पढ़े लिखे थे। तो हुजूर ने फरमाया कि चलो एक काम करो, जो वही जिब्रील लेके आते हैं इसको तुम तहरीर करो। तो जो जिब्रील लेकर के आते थे मरवान, वो हुजूर फरमाते थे और मरवान उसको लिखते थे। एक रोज हुजूर ने फरमाया कि देखो जिब्रील आए हैं, ये एक आयते करीमा है, इसको तुम तहरीर करो। वो आयते करीमा आले इमरान, आले इमरान का तुम इसको तहरीर करो। तो आले इमरान को आपने तहरीर कराया। तहरीर कराने के बाद हुजूर ने फरमाया कि लाओ तो मरवान, हम देखते हैं क्या तुमने लिखा है। तो वो पहले तो घबराया, घबराने के बाद अकाल इस्लाम ने कहा कि लाओ क्या लिखे हो। तो उसमें आले इमरान नहीं लिखा था, आले मरवान लिखा था। क्या तुम सवारी देखो इस्लाम की, उसने हजूर की मौजूदगी में, आप कहते हो सहाबी ने सहाबी की तवारीख अगर पढ़ना है तो किसी सूफिया के बारगाह में जाओ तब समझ में आवेगा क्या लिखा था। हजूर की मौजूदगी में हजूर आयते करीमा लिखा रहे हैं आले इमरान, और लिख रहा है आले मरवान। तो हजूर सोचने लगे कि अब क्या करें। कहा उमर एक काम करो, इसको मदीने से निकाल दो। मदीने से निकाल दो, और कितना दूर निकालो कि कम से कम 10 मील बाहर करो मदीने से। चलो साहब, तो 10 मील बाहर मरवान को निकाल दिया गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो अबू बक्र सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल खलीफा हुए। तो उस वक्त मरवान ने बहुत कोशिश किया कि फिर मैं मदीने में दाखिल हो जाऊं, मगर हजरत अबू बक्र सिद्दीक ने कहा कि मेरे आका ने जब 10 मील निकाल दिया है और तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए तुमको 10 मील और दूर कर दिया। अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के कॉल के मुताबिक उन्होंने 10 मील रखा था और इन्होंने भी और 10 मील बढ़ा दिया, तो 20 मील हटा दिया गया मरवान को। अरे ये हो जिसे कातिबे वही कहते हो, कातिबे वही समझे कि नहीं। 20 मील निकाल दिया गया। फिर देखो हजरत उमर हुए खलीफतुल मुस्लिमीन। अच्छा ये बताओ कि इनको शहीद किया गया कि नहीं किया गया, हजरत उमर को शहीद किया गया कि नहीं, उस्मान गनी को शहीद किया गया कि नहीं, हजरत अली को शहीद किया गया कि नहीं। अब ये हम आपसे पूछे, अगर इल्म रखते हो कि किसी का कत्ल हो उसमें साजिश होगी कि नहीं होगी, बगैर साजिश के किसी का कत्ल होता है? कभी नहीं। आज इस्लाम 1450 बरस गुजरा, साजिश किसकी थी? अल्लाह। जब ये कौम अभी तक साजिश का पता न लगा सकी, ये कौम अभी तक जिसको आकाल इस्लाम ने निकाला था उसका पता नहीं लगा सकी, तो इस्लाम का क्या पता लगा सकते हो तुम? इस्लाम वो हीरा है, वो जौहर है, वो चमकता हुआ, जो इसके करीब हुआ वो भी चमक गया। आज तक कुछ साजिश का पता नहीं लगा। तो हजरत उमर हुए तो उस दौर में भी बड़ा कोशिश हुआ। मरवान ने बहुत कोशिश किया कि मैं मदीने में दाखिल हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि जब हुजूर ने 10 मील हटाया, फिर अबू बक्र सिद्दीक ने 10 मील हटाया, तो उमर भी यही कहता है कि 10 मील और हटा दो। 30 मील हटा दिया गया किसको? मरवान को। और फिर जब हजरत उमर शहीद हुए तो फिर खलीफतुल मुस्लिमीन की शक्ल में हजरत उस्मान गनी हुए। तो उस्मान गनी के वो खलड़े भाई थे, इसलिए फिर मरवान को मदीने में बुला लिया गया।
और फिर कुरान की जो तसनीफ हुई उसमें मशीर बनाया गया, सलाहकार बनाया गया, एडवाइजर बनाया गया। मेरे अजीज समझो, जब ये कौम के रहनुमा अलिफ लाम मीम की तसरी नहीं कर सकते तो कुरान की क्या तसरी कर सकते। मेरे अजीज आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी तो ये जिंदगी है कि आप मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, सहाबा भी बैठे हैं, कहां बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। उस वक्त कोई ये नहीं कि टाइल्स लगी हुई है, कालीन बिछी हुई है, सहाबा भी जमीन पे, आका अलैहिस्सलाम भी जमीन पे बैठे हैं। आका अलैहिस्सलाम की निगाह नबुव्वत उठी, देखा कि एक बूढ़ा ईसाई आकर के खड़ा है, बूढ़ा ईसाई खड़ा है, तो हुजूर ने सहाबा को हुक्म नहीं दिया कि देखो उससे पूछो क्यों आकर के खड़ा है, किस लिए खड़ा है। आका अलैहिस्सलाम जैसे खड़े हुए सहाबा भी खड़े हो गए, हुजूर ने फरमाया नहीं तुम लोग बैठ जाओ, बैठो। वो लोग बैठ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईसाई के पास गए और जाने के बाद कहते हैं कि आप तशरीफ लाइए। आप ये नहीं पूछते हैं कि किस गरज से आए हो, किस नियत से आए हो। अरे आका अलैहिस्सलाम तो रहमतुल्लिल आलमीन है और आप नबी हैं, आप तो दिल की हालत जान रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम लेकर के आए मस्जिद नबवी में किसको, उससे बूढ़े ईसाई को, और जैसे मस्जिद में दाखिल हुए मस्जिद नबवी में तो आका अलैहिस्सलाम के दोशे मुबारक पे जो ये रूमाल थी आपने उस के लिए जो है जमीन पे बिछा दी। क्या बात है, अल्लाह अकबर। सहाबा जमीन पे, आका अलैहिस्सलाम जमीन पे, मगर एक ईसाई जरीफ को लाकर के आपने अपने रूमाल को बिछा दिया और कहा कि तशरीफ लाइए। वो बूढ़ा था, अकलमंद था, उसकी खैरियत ने झिझोड़ दिया और वो बजाए रूमाल पे बैठने के रूमाल को उठाया, बोसा लिया, सर पे रखा और कहा कि कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ा दीजिए, हुजूर ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो आज 1450 बरस के बाद इस्लाम हम लोगों तक पहुंचा है, ये रहमतुल्लिल आलमीन का इस्लाम रहमत बनकर के आया, रहमत बनकर के नहीं आया। मेरे मुसलमानों मैं यही कहूंगा कि तुम भी किसी के लिए रहमत बनो, रहमत मत बनो। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फजले खुदा का नाम है फैजान औलिया। बहुत खूब। फजले खुदा का नाम है फैजान औलिया, फरमान किरदगार है फरमान औलिया। वो जानते हैं कैफियत बादए अलग, जो पी चुके हैं सागर इरफान औलिया, सागर के जुस्तजो न तहम्मल की आरज़ू, रे बेदम है गुलाम गुलामान औलिया। सुभान अल्लाह। गौसुल सफलैन की बारगाह में 70 आदमी आकर के दावत दे गए एक ही वक्त, उसमें एक वैसा भी बैठा हुआ था, वो सोचने लगा कि अरे बूढ़े मियां देखिए कितने बड़े झूठे हैं, अरे किसी एक के पास जाएंगे, दो के पास जाएंगे, तीन के पास जाएंगे, इस 70 आदमी के पास कैसे जा सकते हैं बताइए। तो अब वो शख्स जो है अपने ग्रोह में पहुंचा तो कहा कि देखो उसके ग्रोह वाले भी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाता, हुजूर के साथ नमाज भी पढ़ते थे और उधर जाके नौटंकी भी करता था, इमामा भी करता था और कहता है मैं तुम्हारे लिए नबी बन करके के आया हूँ, तो हुजूर की मौजूदगी में बताइए नमाज पढ़ने वाले इस तरह का फितना दिखला रहे हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की बारगाह में भी ऐसा मत सोचो, जब सब किसी के आता है मगर जब वली का दिल उनके तरफ मुतवज्जा होता है तो फिर उसको मायल कर देते हैं। तो इसलिए सरकार गौस की बारगाह में वो आया अपने में फिर सुन करके कहा कि देखिए बूढ़े मियां बताइए, ये तो बूढ़े हैं और 70 जगह की दावत ले लिया एक ही वक्त की, अक्ल ही की दावत है, कल होकर के सबसे पहले वो आपकी मजलिस में आकर के आपके मजलिस में आके बैठा, कमरे में बैठा, कहाँ जाते, सोचा कि देखा कि बूढ़े मियां कहाँ जा रहे हैं आप, समझे कि नहीं। तो सरकारे गौस पाक लोगों को अपना समझा रहे हैं, बता रहे हैं इस्लाम की हकानियत सदाकत,
बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं। अभी सोचने लगा आदमी कि तो 70 जगह की दावत लिए थे, अभी एक जगह भी नहीं गए, अल्लाह ऊपर। तो और भी सोचने लगा कि बताइए कितना बड़ा फरेब है कि 70 जगह की दावत लिया कहीं गए भी नहीं। कुछ देरी के बाद, कुछ देर गुजरा था कि एक शख्स आया दावत देने वालों में, उसके करीब जाकर के ये भी बैठ गया। कहा करी आपने भी तो दावत दिया था ना। हाँ दावत दिया था, गए नहीं ना। कहा करे मेरे यहाँ गए थे, मेरे यहाँ सरकार गौस पाक गए थे दावत में, और वहां फातिहा भी पढ़े हैं, वहां खा करके फिर उसके बाद आए। और सोचने लगा कि अरे मैं तो सुबह से आकर के कमरे में बैठा हुआ, गए भी है। फिर दूसरा शख्स भी आया, फिर उससे जाके पूछने लगा, तो उसने भी यही जवाब दिया कि मेरे यहाँ भी गए थे, तीसरे के यहाँ गया, उसके यही जवाब दिया। तो मुकामे वलायत क्या समझते हो? वली एक मुकाम पे होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, कायनात आलम को जर्रों की तरफ देखा करता हूँ, मेरे तसर्रुफात तो इतने बुलंद हैं कि मैं यहाँ भी रहता हूँ वहाँ भी रहता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे गौस, या गौस, नारे गौस, या गौस। कुरान फरमाता है अला इन्ना औलियाल्लाह ला खौफुन, देखो अल्लाह के वली होते हैं ये, इन्हें कोई खौफ नहीं होता है। और मैं कहता हूँ कि जो वली की सोबत में हो जाए उसे भी कोई खौफ नहीं होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मिसाल के तौर